इस वीडियो में आज हम फिर से बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। इधर क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका सी सी इस एंगल है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। एंड डी ई लंब है ए बी का ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर डी ई लंब है। फाइंड ए ई इज टू डी ई, ए ई और डी ई का रेशियो निकालने के लिए बोला। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिगर को देख लेते हैं, सॉरी। फिगर में क्या है, बी सी, बी सी का वैल्यू क्या है 12 सेमी, ए डी का वैल्यू 3 सेमी और सी डी का वैल्यू 2 सेमी। तो दोस्तों क्या बोला, ए ई, ए ई इस लाइन का और डी इस लाइन, दोनों का लाइन का रेशियो क्या है वो निकालने के लिए बोला। और ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो सही होगा वो आप लोग को निकाल कर बोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो एक चीज़ देखिए, इधर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी ए एक ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल से क्या मिलता है, देखिए एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा, क्या होगा, किस लिए होगा, ये एंगल दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। क्या है, एंगल ए दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। और एक चीज़ देखिए, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई डी, ये दोनों इक्वल होगा, किस लिए इक्वल होगा, ये राइट एंगल है और ए बी लाइन का ऊपर डी लंब है, तो इसके लिए ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो दो एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एक ट्रायंगल का जब दोनों एंगल इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए ई डी से, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो हम लोग सिमिलैरिटी किया जब टेस्ट किया था, तब दोनों ट्रायंगल का प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ए बी, ए बी ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, ए डी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय डी और ए सी बाय ए, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, पिथागोरस का थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी कितना होगा, थ्री प्लस टू कितना होगा, फाइव का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। फाइव का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया 169। इसका रूट ओवर करेंगे तो कितना होगा, ए बी हम लोग लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 13, ए बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 13। तो इधर क्या लिख सकते हैं, ए बी 13 और ए डी कितना है 3 इक्वल टू बी सी, बी सी कितना है 12 और डी ई ये निकलना है और ए सी कितना है, ए सी 5, 3 प्लस 2 5 होगा ए ई, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले हम डी ई को निकालेंगे, तो ये दोनों को लेकर हम लोग देखेंगे क्या होगा
13 बाय 3 इक्वल टू 12 बाय डी, और लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू 13 बाय सॉरी 3 इंटू 12 होगा 36 बाय 13। आप देखेंगे ये और इसमें से 13 अपन 3 इक्वल टू 5 अपन ए ई। अब ए ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15 बाय 30। तो ए रेशियो निकालना है, ए ई इज टू डी ए निकालना है। तो ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए ई कितना निकला 15 बाय 13 इज टू डी कितना है 36 बाय 13। तो इसका रेशियो क्या होगा, ये तो कटेगा 5 से कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो होगा 5 इज टू ये कटेगा तो होगा 12। ये हो गया हम लोग का आंसर ए इज टू डी। ए इज टू डी का आंसर क्या है 5 इज टू 12, 5 इज टू 12 इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया उसी टाइप का, इसको भी हम लोग सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। इन द फिगर गिवेन बिलो, इधर एक फिगर दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी ई डी, एंगल ए और एंगल सी ई डी ये दोनों एंगल इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी इधर एक्स होगा, ये एक्स का वैल्यू क्या है ये निकालने के लिए बोला। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी एक चीज़ देखिए एंगल सी, एंगल सी क्या है, एंगल सी है दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल, और क्वेश्चन में तो बोल ही दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी ई डी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल सॉरी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और ट्रायंगल का जो साइड का वैल्यू होगा लेंथ वो तो दे दिया, एक ए डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डी सी 8 सेंटीमीटर, ई सी 10 सेंटीमीटर, ई बी 2 सेमी और ए बी 9 सेमी, और निकालना क्या है डी, डी ई का लेंथ कितना है वो निकालना है। ये भी हम लोग करेंगे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, हम लोग जो पहले किया उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं सी ई बाय सी ए, सॉरी वो नहीं करेंगे सी ए, सी ए डिवाइडेड बाय सी ई ये लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, और बाकी रहा क्या सी बी डिवाइडेड बाय सी डी, सी डी ये लिख सकते हैं। निकालना क्या है डी ए, तो हम लोग ऐसे करेंगे ए बी, ए बी ए बी का वैल्यू कितना है 9 सेमी, डी ई वो निकालना है इक्वल टू सी बी, सी बी सी बी का कितना होगा वैल्यू 10 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाय सी डी, सी डी कितना है 8, इससे डी का वैल्यू हम लोग को पता चलेगा। तो देखते हैं कितना आता है डी ई मतलब 12 डी ई ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 9 इंटू 8, और डी ई इक्वल टू लिख सकते 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। ये देखिए 3 से कटेगा 3 और 4 कटेगा 2, तो होगा 3 इंटू 2 इक्वल टू होगा 6, ये हो गया डी ई का वैल्यू, डी ई सेमी होगा।
तो दोस्तों डी कितना निकला, डी जो क्वेश्चन में बोला एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू क्या है 6 सेमी, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो दोस्तों इस मेथड से कोई भी क्वेरी रहेगा आपको तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।